हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बाहर जा रहे हैं। बाहर एक्चुअली आज का जो ब्लॉग है वो होने वाला है बेसिकली बूस्टर डोज के बारे में। एरियो में काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन भी लग गई हैं अभी, क्योंकि कोविड केसेस की वजह से डाइन इन पूरा क्लोज्ड। हम लोग न्यू ईयर पे लास्ट टाइम बाहर निकले थे और उसके बाद अभी आई थिंक आज हम निकल रहे हैं बाहर। इट्स बीन, आज है 14 जनवरी, तो इट्स बीन 13 डेज हम बाहर नहीं निकले हैं। ऐसा लॉकडाउन नहीं है, जस्ट दैट कि हम लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि हमें था कि एक बार बूस्टर डोज लग जाएगा तो देन वी कैन मे बी गो आउट फॉर यू नो समथिंग। हम लोग ग्रोसरी भी इंस्टाकार्ट से ही ऑर्डर कर रहे हैं, सो दैट्स इट। एंड मैं नीचे वेट कर रही हूँ यहाँ पे अभी एंट्री पे, और यश पार्किंग में ऊपर गाड़ी लेने गया है। गाड़ी की हालत पता नहीं कैसी हुई होगी, क्योंकि मैंने बोला है कि जैसे कि 13 दिन हो गए हम घर से बाहर निकले तो गाड़ी भी नहीं निकली है, तो काफ़ी जम गई होगी। सर्दियों में वो बर्फ़ की वजह से पूरी जम जाती है, तो पूरा उसका बर्फ़ पहले, स्नो पहले रिमूव करना पड़ेगा, देन वी कैन हेड आउट। तो अभी थोड़ा लेट चल रहे हैं, तो जल्दी जल्दी जाते हैं वहाँ। पूरी इस पे स्नो जमी पड़ी है, शीशे पे बाहर दिख भी नहीं रहा है। आज का दिन बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है यहाँ पे। से हेलो यश। हेलो, कहाँ जा रहे हैं हम? बूस्टर डोज। बूस्टर डोज उसके बाद फाइनली हम घर निकलेंगे। फाइनली घर निकलेंगे, सॉरी घर से बाहर निकलेंगे। ये भी है बस, और एक वर्ड नहीं बोलूंगा बीच में, पर ये भी है। नींद में बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। कितनी सारी धूप पड़ रही है। और गाइस, अभी हमें पहुंचने में 3 मिनट लगेंगे और 2:40 पे मेरी डोज का टाइम है, और मुझे नहीं पता मेरे को डोज लग भी पाएगी नहीं, क्योंकि वो लोग मना कर देते हैं कि भाई तुम टाइम पे नहीं आए, चलो बाहर। अपना इंडिया वाला हिसाब तो है नहीं कि 4-5 मिनट अगर तुम लेट हो तो तुम रिक्वेस्ट कर लो, यहाँ पे वो सीन नहीं है। बट देखते हैं कि हमें, मुझे डोज लग पाता है या नहीं। लेट्स गो, देखते हैं, पहुँचने वाले हम ऑलमोस्ट, यार ऑलमोस्ट देयर। गाइस रेक्सल, हम पहुँच गए हैं, यहाँ पे लगनी है डोज। डर लग रहा है? डर लग रहा है? नहीं, इंजेक्शन से किसको डर लगता है? तेरे को लगता है? मेरे को तो बहुत लगता है, मेरे को तुमसे भी लगता है डर। यहाँ से ना मैं एक दो सामान भी उठाना, सीट अप वगैरह, इंजेक्शन लगने के बाद के जो होगा ना उससे डर लगता है। जा। Left arm. पूछ रहे हैं कि लेफ्ट आर्म में लगेगा या राइट आर्म में। इंडिया में तुम जिस साइड बैठ गए बस उसी साइड लग जाता है। सही में? और क्या, इस साइड बैठ गए तो इस वाली बाजू में, इस साइड बैठे तो इस वाली बाजू में लगेगा। वाह। मेरे से मैं पूछी लेफ्ट आर्म राइट आर्म, इसका इसका आंसर तो नहीं है मेरे पास, इसका जवाब नहीं आता भाई मुझे। नो गाइस, ये पूछ रहे हैं कि आपका कनाडा में स्टेटस क्या है, ये भी पूछते हैं अगर आप वैक्सीनेशन लगवाने आ रहे हैं तो। अब थोड़ा डर लग रहा है अब, क्योंकि प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। वैक्सीनेशन हिस्ट्री, थर्ड डोज आपकी लगी नहीं है, वो पहले आ गया क्या? आपकी लग गई? हाँ।
अच्छा वो चेक इन के बाद आ गया होगा। हाँ, चेक इन के बाद आ जाता है कि आपको वैक्सीन लग गई है, तो मेरे रिकॉर्ड में भी आ गया। सो यू कैन ईजिली गो एनीवेयर विदाउट द वैक्सीन, जस्ट किडिंग, डोंट गो एनीवेयर गाइस। और मैं बोल रही थी कि तेरा बड़ी जल्दी हो गया चेक इन। तो ये होता क्या है कि हमारा ना हेल्थ कार्ड है, सबका हेल्थ कार्ड है, तो हेल्थ कार्ड से क्या होता है, सब कुछ ट्रैकिंग होती है कि आपका यहाँ पर रिकॉर्ड क्या है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है। तो तूने पहली दो डोज भी यहीं से लगवाई थी? पहली दो डोज मैंने मतलब यहाँ के किसी भी इंस्टीट्यूशन से लगा सकते हो, रेक्सेल हो गया या कॉस्को से हो गया, कहीं और से हो गया, बट ये सब कुछ ट्रैक हेल्थ कार्ड से होता है आपके। अच्छा, तो उसने सिर्फ हेल्थ कार्ड नंबर डाला और उनको ट्रैकिंग सब मिल जाती है और सब मिल गया। हाँ और मैं ऐसे पहनती हूँ। I think grip थोड़ी बेटर होगी उधर से, like nothing, but मुझे समझ नहीं आता कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। गाइस अगर आपको पता है तो प्लीज़ मेरे को बताना, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ मास्क ऐसे पहनते हैं और मैं ऐसे पहनती हूँ, तो क्या डिफरेंस है दोनों में, इस तरह पहनने में और इस तरह पहनने में। ये मिला, दिस इज माय कोविड सर्टिफिकेट, और अगर आपको कॉपी चाहिए तो दीज आर द इंस्ट्रक्शन टू फॉलो। हाउ आर यू फीलिंग? फीलिंग गुड, लाइक आई शुड। बूस्टर डोज बोला तूने? बूस्टर डोज दिया था डॉक्टर। बैंडेड सही से लगी है? कह रही है? मैंने उनसे पूछा कि हम वीडियो ले सकते हैं वैक्सीनेशन लेते हुए, वो कह रही है लेने में कोई दिक्कत नहीं, फिर सर्वे में डाल देना नाम कि मैंने लाइक आपको वैक्सीन दी है और कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका। हाँ, हाउ आर यू फीलिंग? फीलिंग बेटर। बेटर? आई डोंट नो। दवाई गई अंदर? I'm just saying that, being positive. Okay. अरे कहना क्या चाहते हो? Guys, लग गई है डोज दोनों को हमें, और अभी थोड़ा सामान लेना है तो वो पिकअप करते हैं, क्योंकि 15 मिनट हमें इस स्टोर में रहना पड़ेगा आफ्टर वैक्सीनेशन, यू हैव टू। धूप आ रही है यहाँ पे अंदर भी स्टोर के, सो लेट्स पिकअप सम थिंग्स। इस लड़की की शॉपिंग ही बंद नहीं होती, क्या ले रही हो? चाहिए, मतलब मेरे पास ऐसा वाला है इंडिया में, था मैंने यूज़ किया है, वो अच्छा था, और अभी जो घर पे है ना गाइस, इसने ख़रीदा हुआ है लूफा, वो ऐसे लगता है कि जैसे ईंट रगड़ रहे हो तुम अपने उस पर शरीर पे। सो ये लेने का सोच रही हूँ, बट इसमें यह ना इसमें हाथ डालना पड़ता है, मुझे गीली चीज़ों में हाथ डालना इस नॉट, इसमें मेरे को नहीं अच्छा लगता, तो आई एम गोना पिक अप दिस वन, क्योंकि इसमें ईजिली हैंडल होता है यहाँ पे, उसमें आप हाथ डालो, सोप डालो, साफ हो जाओ। चल अभी सीटा फिर भी लेना, आ जा। आपको मॉइस्चराइजेशन क्रीम चाहिए जो आपके बजट में भी हो, एंड द सेम टाइम वो बहुत अच्छी हो, लाइक नो पैराबेंस, क्लॉग ना करे आपके पोर्स को। तो गाइस आई रेकमेंड दिस वन, सीटाफिल। स्पॉन्सर नहीं है, एप्रिशिएशन है। मैं इसको पिछले 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, मुझे इसका रिप्लेसमेंट आज तक नहीं मिला। मैं और बहुत सारी चीज़ें ट्राई करती हूँ, बट फिर मैं बैक टू सीटाफिल आ जाती हूँ। ये तो आप, ये सब है इनके पास। मैं, मेरी ड्राई स्किन है, सो आई एम गोना पिक अप दिस वन, ड्राई स्किन।
कितने का मिल रहा है आज? ये है यहाँ पे लाना $17 का. Is it on sale or no? No. It's not on sale. ये वाला सेल पे है, ये वाला सेल पे नहीं है. मेरे को ये वाला चाहिए. दोनों में डिफरेंस क्या है? ये SPF के साथ है तो ये सनस्क्रीन की तरह भी काम करता है. जैसे बॉयज होते हैं उनको एक ही क्रीम चाहिए होती है कि उसमें सब हो, उनको 10 क्रीमें नहीं लगानी होती, तो वो ये वाली पिकअप कर सकते हैं. ये वाली पिकअप कर सकते हैं. इसमें SPF भी है तो आपका सनस्क्रीन की तरह भी काम करेगा और मॉइस्चर भी करेगा. ये सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छी है. बट मेरे पास अपना है, मैं वो वाला यूज़ करती हूँ अपना सनस्क्रीन, सो आई एम गोना पिक अप दिस वन. मुझे लगता है कि जैसे ही दवाई तुम्हारे अंदर जाती है ना, तुम्हें लगता है कि कुछ ना कुछ होगा. यश कैसा लग रहा है वैक्सीन लगवाने के बाद? एक टान ले लो छोटा सा, फिर मैं बताता हूँ कैसे लग रहा है. चलो गाइस टान लेते हैं. यश को पीनी थी कॉफी, मेरे को खाने हैं छोले भटूरे, तो पहले हम कॉफी पीने आए. वैक्सीन के बाद थोड़ा सा फील हो रहा है कि कुछ लगा है बॉडी में, गया है. हाँ. तो काइंड ऑफ जो मेरे लेफ्ट आर्म है थोड़ा हैवी फील हो रहा है. हैवी भी फील हो रहा है और साथ में ऐसे फील हो रहा है कि कुछ लाइक कुछ मैं वे उठा रखा है मैंने कुछ. हाँ मेरे को भी लग रहा है वो. बाकी तेरे को थकावट लग रही है? थकावट नहीं लग रही है, नॉर्मल है. लास्ट टाइम भी मेरे को हुआ था थोड़ा बहुत. वैसे मुझे तो वैक्सीन लगवाने से पहले भी थकावट नहीं लग रही. सो नॉट श्योर. लेजी किडो. रात एक्चुअली में ढंग से सोई नहीं हूँ. रात में सोई हूँ अराउंड 4 AM और तो इसलिए. गैस इस इंसान ने ना फिर से प्लान चेंज करा दिया मेरा. अब बोल रहा है कि बिरयानी पैक करा लेंगे. मैंने थोड़ा इन्फ्लुएंस करा इसको प्रोस गिनवा के. हाँ मुझे बोला कि छोले भटूरे घर पे लेके जाएंगे और अगर उसको दोबारा गर्म करके खाएंगे तो फिर वो अजीब से हो जाते हैं. और इसने बोला कि बिरयानी गर्म करके खाएंगे तो अच्छी लगती है. जहाँ पे एक रेस्टोरेंट है मसक अली, जहाँ पे इंडियन खाना, ओटवा में इंडियन खाना यहाँ पे अच्छा मिलता है. हमने बहुत सारे रेस्टोरेंट ट्राई किए हैं. तो चलते हैं वहाँ पे, बिरयानी पैक कराते हैं और फिर निकलते हैं घर की तरफ. I just placed an order of chicken biryani. Chicken biryani, yes, right? Yeah, so is it like prepared or I have to wait? Oh, yes, just give me a second. I'll just check. Sure. Yeah, she's going to pick up the order. Band kar dena, thand lag rahi hai. Okay. Let's go to the restaurant. चांद दिख रहा है आपको? वो देखो वहां पे चांद है ना वो? चांद तो कह रहे हो? नहीं मतलब मेरे को भी डाउट है कि इस टाइम चांद कैसे दिख सकता है. yes. दिख सकता है. इट्स चांद राइट? यस. गोइंग अप. यू कैन सेव मनी बाय बाइंग दिस झोला एंड taking it everywhere from Costco to Walmart. जो कि हम बहुत सारे टाइम भूल जाते हैं. फ्रेश को बहुत दिन से हम Costco नहीं गए ना. हम इसलिए नहीं गए क्योंकि हमें पैसे नहीं बढ़ाने. हमने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया है. पहुंच गए हैं घर. ट्रे में रख देते हैं ताकि जो मिट्टी है वो यहीं रह जाए. बिरयानी इज हियर. लेट्स ओपन दिस बिरयानी. कैसी है बिरयानी? अच्छी है. पर अब तो नहीं, इतनी अच्छी अच्छी बिरयानी खिला दी ना मुझे. अब ये वाली उतनी अच्छी लग रही है. रेटिंग आउट ऑफ 10.
I would say 7.5. इतनी कम? अरे तुमने एक बार सेट कर दिया ना वो टोरंटो वाली बिरयानी का भाई, वो बिरयानी गाइस हम हमारा जो ब्लॉग है टोरंटो वाला उसमें जाके देखना गाइस, हमने वहां बिरयानी खाई थी, अमेजिंग बिरयानी। ऐसी बिरयानी मैंने बैंगलोर में भी नहीं खाई, दिल्ली में भी नहीं, और बहुत अच्छी बिरयानी थी। मन कर रहा है वही खाने का, बट आ जाओ खा ले, भूख लग गई है। खा लो गाइस। क्विक अपडेट अबाउट आर हेल्थ, मेरे को थोड़ा फीवरिश फील हो रहा था तो मैंने टैलनोल ली है, एक दवाई जो मुझे डॉक्टर ने बोला था जब वैक्सीनेशन लगाई थी कि अगर आपको फीवरिश फील हो तो आप वो लगा लेना, वो ले लेना। और वो मैंने ली थी तो मुझे थोड़ी देर के लिए सही लगा, बट अब दोबारा मुझे फीवरिश फील हो रहा है। अभी 2:30 बज चुके हैं, डिनर कर लिया हमने, डिनर बहुत पहले कर लिया था, यश भी लेटा हुआ है। यश हाउ आर यू फीलिंग अबाउट बूस्टर डोज? फीलिंग गुड लाइक आई शुड। तेरी बाजू में पेन नहीं हो रहा? अभी मेरे को मारा है किसी ने। किसने मारा तुझे? मैंने मारा है। मैंने नहीं मारा। तूने मेरी वैक्सीनेशन पर अपने खेल खेल में। Hi, I'm having my green tea. In case you are wondering. Yash is having green tea. तो आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय गाइस। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।